से हमारे इंडियन रेलवेज की एक महत्वपूर्ण खबर आई द इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अन्य कई न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अब हमारी और आपकी गरीब रथ एक्सप्रेस नहीं चलेंगी। मतलब कि अब गरीब रथ एक्सप्रेस का आखिरी समय आ चुका है। वैसे ये गरीब रथ एक्सप्रेस बहुत पुरानी नहीं है, इनको 2005 में शुरू किया गया था ताकि जो लोग महंगे एसी प्रीमियम ट्रेन्स का मजा नहीं उठा पाते उनको सस्ते में ही एसी का सफर करवाया जाए। पर दुख की बात यह है कि अब जल्दी ही हमारे इंडियन रेलवे में से गरीब रथ एक्सप्रेस हमें छोड़कर चली जाएंगी। देखो, हमारे इंडियन रेलवे ने इनको बंद करने से पहले जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। सबसे पहली बात यह है कि गरीब रथ ट्रेन्स के जो कोचेस होते हैं वो बाकी कोचेस से काफी अलग होते हैं। इनके कोचेस होते तो ICF रेक्स के ही हैं, पर सच कहें तो ICF कोचेस की तुलना में ये कुछ अलग होते हैं और इनकी स्पीड भी हमारे नॉर्मल ICF ट्रेन से थोड़ी अधिक होती है। अब जब हमारे सभी ट्रेन्स को LHB फाइट किया जा रहा है तब ऐसे में गरीब रथ बहुत ही अकेले हो जाती। इस ट्रेन का साइड मिडिल बर्थ इसको सबसे अलग बनाता है और यही साइड मिडिल बर्थ इसको LHB में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा रोड़ा था। इंडियन रेलवे को LHB कोचेस में साइड मिडिल बर्थ देनी पड़ती तब जाके गरीब रथ के लिए एक LHB रेक तैयार होता। पर इन सब झंझट से दूर हटने के लिए इंडियन रेलवे ने ये सोचा कि क्यों ना हमसफर एक्सप्रेस को गरीब रथ से रिप्लेस कर दिया जाए। तो हाँ, अब इन गरीब रथ एक्सप्रेस की जगह हमसफर एक्सप्रेस ले लेंगी और सबसे पहले चेन्नई हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस को हमसफर एक्सप्रेस में रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी तारीख होगी 29 सितंबर 2018। अब गरीब रथ के हमसफर एक्सप्रेस में रिप्लेस होने से आपको क्या फायदा होगा और नुकसान होगा? सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। तो यहाँ गरीब रथ के हमसफर एक्सप्रेस में रिप्लेस होने से सबसे ज्यादा फर्क किराए पे पड़ेगा, यानी कि अब आप सस्ते एसी क्लास में सफर नहीं कर पाएंगे। हमसफर एक्सप्रेस में आपको गरीब रथ के मुकाबले 1,000 से 2,000 रुपए अधिक देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान, जो कि बहुत बड़ी क्षति तो नहीं है पर फिर भी, आप साइड मिडिल बर्थ का मजा नहीं ले पाएंगे। वैसे ही बहुत लोगों के लिए साइड मिडिल बर्थ एक परेशानी का सबब था। बात करें फायदे की तो LHB डेक्स मिलने से अब इन ट्रेन्स की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। पहले गरीब रथ एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की होती थी, लेकिन अब हमसफर से रिप्लेसमेंट के बाद इन ट्रेन्स की स्पीड करीब 140 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही 140 की रफ्तार से चले, वो डिपेंड करता है कि ट्रैक कैसा है और उस ट्रैक पे स्पीड लिमिट कितनी है। पर LHB कोचेस होने से जाहिर तौर पे इनकी स्पीड थोड़ी बढ़ जरूर जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको इन ट्रेन्स में अब सुविधाएं भी काफी अच्छी मिलेंगी। टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स, CCTV कैमराज एक्सेट्रा, जो आपकी जर्नी को और सुखद बनाएंगी। तीसरा और सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि LHB कोचेस होने से इन ट्रेन्स में सेफ्टी काफी बढ़ जाएगी और हम सभी के लिए सबसे बड़ी चीज यही है। दोस्तों, गरीब रथ एक्सप्रेस के बंद होने से आपको क्या बुरा लगेगा और क्या अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।